शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्री जो बंद है बिहार में वो कैसे चालू हो, इस पर जो उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोगों को देखना था उनको। आपको नवादा में 35 घरों को, 80 घरों को जिस तरह से दलित की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया भू माफिया के द्वारा। लालू यादव थे केवल अपने परिवार का विकास किया, उसके अलावा किसी का विकास नहीं किया। पूछिए इनसे विकास किया है लालू यादव? अपराध नया करेगा लालू प्रसाद, पांचों पुनियों को मन मजा किया, क्या किया लालू यादव, सबको दर्जा बराबर लालू यादव क्या किया? बाढ़ का आपदा आया है ना, इसको तो हम सरासरी कहेंगे कि जनता का मूर्खता है, जनता का इसमें गलती है। अगर बाढ़ आ रहा, इतना बड़ा कंट्री आप देखिए, चाइना एक और है, न्यूजीलैंड, वो जब समुंदर का पानी रोक सकता है और मोड़ सकता है, तो ये तो समझिए कि बिहार का समझिए नाली का पानी रोक देंगे, क्या रोकेंगे? नहीं, ये सरकार की नाकामी है। अगर ये कौन था, अगर यही जंगल राज में कौन बोला था, कांग्रेस वाला बोले थे, आज कांग्रेस वाला, आज कांग्रेस वाला साथ है तो बहुत अच्छा है। कौन किया था केस, कौन किया था केस, कौन किया था? भाई आप चुप हो जाएंगे, केस कौन किया था? यही कांग्रेस वाला, चारा उजागर तो कांग्रेस वाला किया है, लालू जी को मिट्टी में मिलाने के लिए कांग्रेस ही काम किया है। क्योंकि वो बंगाल में भी राजनीति किया, दिल्ली में भी राजनीति किया, सब में राजनीति किया, तो तेजस्वी प्रसाद यादव से कहीं भी अगर उनसे पूछा जाए तो शिक्षा में भी आगे, उनसे ज्ञान में भी आगे, और उनसे सब चीज में आगे, पीके शाही, पीके मतलब पराठा पांडे आगे हैं, समझे? और लोग कहता है एक बात के लिए कि प्रशांत किशोर जी अपना नाम छुपाते हैं, तो मैं ढेर ऐसे व्यक्ति को नाम बता दूंगा, समझे ना, कि जो मतलब अपना समाज का टाइटल नहीं लगाता, जैसे भूमिहार हो तो किसी शर्मे का टाइटल नहीं लगा, फरता कुमार लिखाता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव के खास कार्यक्रम जनता एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी पटना का पटना जंक्शन हो और वहाँ पर बिहार की राजनीति की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार में पटना जंक्शन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कैमरा घुमा के ज़रा दिखा दीजिए, यहाँ पर कितने सारे कॉन्टेंट क्रिएटर मौजूद हैं, सबकी राय प्रतिक्रियाएँ ली जा रही हैं। तो हमने भी सोचा कि भाई जब राजनीति छिड़ी गया है तो पटना जंक्शन पे पहुँच कर बातचीत कर ही लिया जाए। क्या नाम है? शाहिद जमान। शाहिद नाम है आपका। बिहार में प्रशांत किशोर उपचुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा स्थगित कर दिए हैं, डर गए हैं क्या तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव और अब जहाँ तक प्रशांत किशोर का सवाल है, तो ये आपको कंपटीशन नहीं किया जा सकता है। किससे कंपटीशन? दोनों में नहीं, दोनों में नहीं, इसलिए कि दोनों का विचारधारा अलग अलग। उनका विचारधारा है शराब चालू, घर घर शराब पहुंचाने का, प्रशांत किशोर जी का। और तेजस्वी का जो धारा है, सोच है, घर घर रोजगार पहुंचाने का। तो प्रशांत किशोर और तेजस्वी का कैसे आप मिलान कर लीजिएगा? जिस प्रशांत किशोर ने पूरे बिहार में घूम घूम के, और पार्टी 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में स्थापना किया, और स्थापना के दरमियान में क्या कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम रोजगार देने के बजाय क्या बोल दिए कि 1 घंटा में हम शराब जो कानून है उसको ख़त्म करेंगे। और तो मेरा सोचना है ना कि ये कह रहे कि घर घर लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्री जो बंद है बिहार में वो कैसे चालू हो, इस पर जो उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लोगों को देखना था उनको। आपको नवादा में 35 घरों को, 80 घरों को जिस तरह से दलित की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया भू माफिया के द्वारा, ये तमाम जो बुनियाद मुद्दे आए सामने। अभी तेजस्वी इन मुद्दों पर गए थे क्या? तेजस्वी के लोग वहाँ लगे हुए थे। तेजस्वी का तेजस्वी किसी कारण से नेता प्रतिपक्ष जवाब दे दें, नेता इधर सुनिए, नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव किसी काम बस वो बाहर गए हुए थे, मगर लोग तो उनके लगे हुए थे। देखिए, हम बाहर विधायक देखकर काम करे रे नहीं करे रे, चुपचाप रह, फिर गलत रहा विधायक के, तेजस्वी यादव के जितना विधायक था सब बाढ़ पीड़ित में मदद किया है। तेजस्वी का
तेजस्वी यादव कहाँ थे तेजस्वी? कहीं गया था। क्यों चले गए? बिहार में जो आदमी किया ना उसको मसाज करवाने गया था। तेजस्वी यादव विकास पुरुष है, विकास करेंगे बिहार। विनाश पुरुष क्या विकास पुरुष कर रहे हैं? बोले में शर्म आ रहा है। अरे विनाश कहिए ना, काहे लगा रहे विनाश? गलती से बच। अरे बाबा भाग जाइए ना तो आपका ही विनाश हो जाएगा। चल जाइए अपना तो आपका विनाश हो जाएगा, समझ गया ना? साधु के देश में आ जाते हैं कहानी कहाँ से पता नहीं चलता। खनता है तेजस्वी यादव विकास पुरुष है, विकास ऐसे तो लालू यादव विकास पुरुष है। लालू यादव थे, केवल अपने परिवार का विकास किया, उसके अलावा किसी का विकास नहीं किया। पूछिए इनसे विकास किया है लालू यादव? करेगा लालू प्रसाद पांचों पुनियों को मन मजा किया, क्या किया लालू यादव? सबको दर्जा बराबर किया। लालू यादव क्या किया? क्या नहीं किया? जकरा चौकी पर बैठने के लिए कुर्सी पर बैठने के लिए देता था, वो चौकी पर बैठाने के कुर्सी बैठाने के लालू यादव। कौन कौन? और मान सम्मान देने वाला लालू यादव, सारा चीज में मान सम्मान लालू यादव। लालू यादव दिया मतलब दलित को उठाया है? हाँ, दलित को सब सबको उठाया, दलित को उठाया है लालू यादव, पांचों पनियों को उठाया है। ओकरा ऐसा भारत में कोई नेते नहीं है, दलित छोड़ दिया, सबको उठाया। लेकिन बाबा का हालत देखिए, बाबा को छोड़ दिया तेजस्वी। बाबा आजाद है। आपका कहाँ घर है? बेगूसराय। लड़का वड़का है कुछ? हम अपना स्थान बनवा रहे हैं, किसान महात्मा है, शादी शुदा है कि? हमारा सब कुछ परमात्मा दिया है, अपना मेहनत करके खाते हैं। शादी मेहनत करके में बोरा ढो के। अच्छा, तो मतलब अब कोई हम दमंग से बोलते हैं, किसी का आभिर्दादा हम नहीं रहते। ये सवाल का जवाब आप नहीं दिए कि तेजस्वी जब जब बिहार में आपदा आता है बिहार छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं नहीं, गरीबों के मसीहा है, उनका राघोपुर क्षेत्र डूब रहा था तब थे ही नहीं। बहुत गलत किया तेजस्वी यादव, उसको राघोपुर डूब रहा उसको रहना चाहिए। लेकिन जब पूरा राघोपुर डूब रहा तो सांसद कौन है? चिराग पासवान, वो कहाँ है? कौन से बिल में घुसे हुए हैं? मुख्यमंत्री कहाँ है? दुद्दू को डिप्टी सीएम है। पूरा जो बिहार राघोपुर, आप जो बोल रहे हैं कि राघोपुर डूब रहा है तो तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, जब पूरा बिहार डूब रहा है तो नीतीश कुमार जिम्मेदार है कि नहीं है? कहाँ? हेलीकॉप्टर से? हेलीकॉप्टर से ना, हेलीकॉप्टर से। तो 2025 में चुनाव है, बोलिएगा नीतीश कुमार को कि हेलीकॉप्टर से चुनाव मांगे, नीचे धरती पे नहीं आवे। क्या दिक्कत हो गया? अरे जनता देखिए ना, जनता कुछ भी कर सकता है। क्या दिक्कत हो गया? कोई है नीतीश की दिक्कत क्या है? कोई तो नहीं है नीतीश से दिक्कत क्या? आपको कैसे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि राघोपुर डूब रहा है तेजस्वी यादव? हमको दिक्कत नहीं है, जनता वहाँ पूछ रही है। हम तो बोल ही रहे हैं। अरे भाई, तो जनता बिहार में तेजस्वी यादव राघोपुर गए हैं और देखे भी हैं और मदद भी किए हैं। तेजस्वी यादव विकास लोग ठीक है, तेजस्वी यादव दुबई में थे हम मान ले, लेकिन उनका जितना कार्यकर्ता लोग था सब जाके राशन पानी सब चीज दे। ये पहली बार तो नहीं है ना तेजस्वी, कई बार जब आपदा आती है बिहार में तो गायब रहते हैं बिहार। देखिए, जो बाहर का आपदा आया है ना, इसको तो हम सरासरी कहेंगे कि जनता का मूर्खता है, जनता का इसमें गलती है। अगर बाढ़ आ रहा, इतना बड़ा कंट्री आप देखिए, चाइना, एक और है न्यूजीलैंड, वो जब समुन्दर का पानी रोक सकता है और मोड़ सकता है, तो ये तो समझिए कि बिहार का समझिए नाली का पानी रोक देंगे। रोकेंगे नहीं, ये सरकार की नाकामी है। मतलब अगर सरकार में एक मिनट बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना बिहार को? ये तो अब नीतीश कुमार अभी ना मुख्यमंत्री है, नीतीश 25 की बात करेगा, 25 अभी तो बहुत टाइम नहीं बनेगा, इसका मतलब नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा जनता डिसाइड करेगा। आपको क्या लगता है बनना चाहिए? सर, अभी फिलहाल के लिए नीतीश कुमार है, वो इंजीनियर भी है, उनको सोचना चाहिए कि कैसे पानी मोड़ना है या क्या क्या करेंगे जो मुड़ेगा। जनता बेवकूफ है, गिरेगा लाख लाख दो लाख का घर दह गया, माल जाल सब दह जाता, 2 लाख 4 लाख का नुकसान होता। सरकार आता झुनझुना पकड़ा देता, 5,000 7,000 10,000 झुनझुना पकड़ा दिया, जनता वही में खुश। जनता को पैसा नहीं लेना चाहिए था, और जनता को डायरेक्ट बोलना चाहिए कि हमको पैसा नहीं चाहिए, वो पैसा से आप ऐसा काम करो कि बाढ़ का पानी मुड़ जाए और हमारे गांव में, हमारे जो शहर है, रोड है, जो भी है, घर की तरफ पानी ना है, वैसा काम कीजिए कि पानी मुड़ जाए। अच्छा, तो ये बात बताइए कि अब बिहार में उपचुनाव हो रहा है, एक मिनट रुकिए, उपचुनाव है, प्रशांत किशोर आप उतार रहे हैं अपने उम्मीदवार को, इधर तेजस्वी यात्रा पर निकले थे, प्रशांत किशोर जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं यात्रा रुक जाती है, डर गए हैं क्या? क्या तेजस्वी यादव? प्रशांत किशोर से? प्रशांत किशोर एक टाइम में आई थी बिहार में, लंदन से पढ़ाई करके, पुष्पम प्रिया नाम की, आप नाम सुना होगा, लंदन से 2020 में, हाँ 2020 में लंदन से पढ़ाई करके आई थी, और बोलती थी कि हम बिहार को बदल देंगे। वैसा ही पता नहीं आज कहाँ चली गई पुष्पम प्रिया, नाम पतो नहीं है कि कहाँ है। वैसा ही अभी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, सिर्फ बलगलाने का काम कर रहे हैं।
बिहार के जनता को बलगलावेंगे। तेजस्वी क्यों लेकिन डर गए? क्या यात्रा यात्रा रद्द कर दिया? रद्द कुछ काम से रद्द किया होगा या फिर आगे डेट बढ़ाया होगा? सब सब हो जाएगा, रद्द हो गया है। रद्द कैसे हो जाएगा सर? अब जाए खबर देखिए, रद्द कैसे हो जाएगा? ऐसा थोड़ी रद्द हो गया। रद्द कर रद्द रद्द कुछ नहीं हुआ, हो सकता आगे बढ़ गया होगा या फिर कुछ ऐसा काम हो गया होगा कि रद्द हो गया। बार बार रोकते हैं अपने कार्यकर्ताओं की, प्रसाद किशोर पांडे है मत जाइए। तेजस्वी यादव किसी से डरने वाला नहीं है, वो लालू यादव का बेटा है, समझ गए ना? वो किसी से नहीं डरने का। कह रहे हैं कि डर के काहे नहीं बिहार आया, दिल्ली काहे रह गया? दिल्ली से काहे 1,00,000 रुपया दे के अथी करवा लिया, बताइए ना, जवाब दीजिएगा, बोलिए बताइए। देखिए दिल्ली तो हमारे नीतीश बाबू भी गए थे पेट का इलाज करवावे। तो कम से कम नीतीश कुमार का केस नहीं था, इसका केस था, तो काहे नहीं है? दुबई से आ गया दिल्ली, सुनो दुबई से दिल्ली आ गया लेकिन दिल्ली से बिहार नहीं आ सकता। क्या चीज का केस था? क्या चीज का? लैंड फॉर जॉब बोला, लैंड फॉर। उसके बाद क्या? उसके बाद लैंड फॉर जॉब बोला केस, लैंड फॉर। तीनों बाप बेटा का नाम था, दो यहाँ प्रेजेंट थे, तेजस्वी यादव लालू यादव प्रेजेंट थे, लेकिन तेजस्वी यादव दुबई से आया दिल्ली आया लेकिन दिल्ली से बिहार क्यों नहीं आया? जब बोल रहा है की सुनिए सुनिए बता रहे हैं, जैसे ही बोल रहा है ना लैंड फॉर जॉब, कोर्ट से तो साबित नहीं हुआ अभी, चारा चोरी वाला भी साबित नहीं हुआ, चारा चोरी वाला नहीं साबित हुआ अभी, कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है चल रहा। अगर मान लिया कि अगर लैंड फॉर जॉब लेके लालू यादव नौकरी दिया है, तो हम बोलते हैं ऑन कैमरा, जिसका जमीन लिया है लालू यादव वो मेरे पास आए, मेरा बाप दादा का 23-24 एकड़ जमीन है, हम उसमें से आधा का टैग इकट्ठा देंगे जमीन, जिसका जमीन लैंड फॉर जॉब का मामला, जिसका जमीन लिया। और रहा बात चारा चोरी का, बोल रहे हैं कि लालू यादव चारा चोरी किया है, तो इसमें इनको बोलने में मुंह में मलाई जम जाएगा। जगन्नाथ मिश्रा भी चोर है, हम बोल रहे हैं जगन्नाथ मिश्रा भी, जगन्नाथ मिश्रा बीजेपी में शामिल हो गए थे तो इनको क्लीन चिट मिल गया था, यही लालू यादव नहीं गए बीजेपी में तो चारा चोर कहला गए। यही अगर सुनिए, अगर ये सुनो कौन था, अगर यही जंगल राज में कौन बोला था? कांग्रेस वाला बोले थे, आज कांग्रेस वाला, आज कांग्रेस वाला साथ है तो बहुत अच्छा है। कौन किया था केस? कौन किया था केस? कौन किया था? आप चुप हो जाएंगे। केस कौन किया था? यही कांग्रेस वाला, चारा उजागर तो कांग्रेस वाला किया है, लालू जी को मिट्टी में मिलाने के लिए कांग्रेस ही काम किया है। आज कांग्रेस चोर चोर मुसेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है? आप जानते हैं सारा गर्त बिहारी के नाम पर, सारा गर्त लालू यादव को कांग्रेस किया है। अब क्या हुआ बिहार में? चोर चोर मुसेरे भाई एक साथ हो गए हैं, तब सोच रहे हैं कि फिर से बिहार में गुंडागर्दी लावे, फिर से जनता लिखी और लालटेन युग है जी, लालटेन का जमाना चले गया, अब एलईडी में आइए। अरे बोल लियो, सुनिएगा, अगर ये जो चारा चोर बोल रहे हैं ना, अगर तुरंत मतलब बीजेपी में चले जाते हैं लालू यादव, तो ये जो चारा है, चारा चोर तो कांग्रेस वाला, हम कहां बोल रहे हैं कि चारा चोर है? हम नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस वाला बोला कि चारा चोर, जंगल राज कांग्रेस वाला बोल, फिर बोल बंद कर। कांग्रेस ने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, कन्विक्टेड है वो चारा चोरी में, चारा चोरी में कन्विक्टेड है भाई, बिहार के लिए शर्म की बात है, उसका नाम चारा चोर। सुनिए किसी ने दाखिल किया, सजा हो चुकी है भाई, यही जो चारा चोरी बोल रहे हैं ना, अगर लालू यादव बीजेपी में चले जाएंगे तो ये जो चारा चोरी है ना भाईचारा में तुरंत बदल जाएगा। अरे भाई लालू जी को कोई बीजेपी में रखेगा नहीं, चोर आदमी को इकारा हम कह रहे हैं, हम वोट देते हैं उसमें तो कह रहे हैं कि नहीं रखेगा कोई, पूछ लीजिए नरेंद्र बाबू से कि रखेंगे, हल्का ही बोलता है। अच्छा ये बोले कि चोर को कहीं बास नहीं है, बीजेपी बीजेपी जो बोल रहे हैं कि लालू यादव को नहीं रखेंगे, अमित शाह कुछ समय पहले बोले थे कि महबूबा मुफ्ती का पार्टी जो है, जो इधर आतंकवादी पार्टी है, आज जब चुनाव का समय आया तो वही आतंकवादी से गठबंधन मिला के चुनाव लड़े थे, तो जरूरत पड़ने पे है ना बीजेपी कुछ भी कर लेगा, मुंह के बड़े गिरेगा ठौना फूट जाएगा, बीजेपी कुछ भी कर लेगा। बीजेपी वही बात है, बीजेपी कहती है कि लालू यादव को बनाया हमने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमने बनाया, बीजेपी कहती है। बीजेपी का जितना प्रोडक्ट है, गठबंधन हुआ था भैया, जितना प्रोडक्ट है ना बीजेपी का, जितना प्रोडक्ट सब लालू आरजेडीए से निकला है, बात सही है ना? बीजेपी बताते हैं ना, ये भैया अंधभक्त है, बताते हैं ना, आज तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री बना है ना, तो आदरणीय नीतीश चाचा का देन है, उनको बाप तो अपना मैट्रिक पास नहीं करवाया जी, मुख्यमंत्री और विधायक क्या बनेंगे? अरे किसी का देन है तो नीतीश चाचा का देन है, कुछ भी हुए हैं तो प्रतिपक्ष का
नेता भी नेता है, बना दिया है लालू यादव को, नीतीश को बना है, लालू तो नहीं बनाया है, तो पूछता है नीतीश को बनाया है, नीतीश को बनाया है, नीतीश को बनाया है, नीतीश को बनाया है, नीतीश को बनाया, क्या बनाया, बनाया क्या बनाया, चारा चोर बनाया, अरे चारा चोर रेलवे घोटाला किया, रेल मंत्री बनाया, कौन बनाया, कौन बनाया, कौन रेल मंत्री बनाया, अपना ठिकाना है, अपना बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाया है, अपना बेटा को बनाया है, नौमी पास करवाया है, सही में अभी अनुभक्ति का देखिए सर्टिफिकेट देते हैं, इनको पता नहीं है कि राजतंत्र नहीं है लोकतंत्र है, ये जो बोल रहे हैं कि लालू यादव अपना बेटा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये बेवकूफ है, इनसे पूछिए जनता वोट देगा तभी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, ये लोकतंत्र न है राजतंत्र नहीं ना है, जो बना देगा मुख्यमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाए हैं, कहने का मतलब ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि लालू यादव लोग बोला कि राजतंत्र और लोकतंत्र की बात नहीं है, तो अगर तेजस्वी यादव की औकात है तो राघोपुर से छोड़ के अपना गृह आवास गोपालगंज से लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे तब हम मान जाएंगे कि लोकतंत्र है, लेकिन यह राजतंत्र है, ये लोग अभी खुद देखा पहले बोला था कि लालू यादव ने नीतीश को बनाया, ई को बनाया, उ को बनाया, लेकिन लालू यादव अपना बेटा को कभी मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, लिख लीजिएगा, सुन लीजिए सर, वक्त अंधा बहरा गूंगा नहीं, वो तो अभी मौन है, समय वक्त अंधा बहरा गूंगा नहीं, वो तो अभी मौन है, समय आने दे, वो खुद बता देगा किसके लिए कौन है, मातम से छाया है पूरे बिहार में, जनता का शुभचिंतक नहीं रहा कोई सरकार में, कांटों से होती है अगर चूहन तो मैं बदन को ढक लेता, अफसोस की दर्द तो चहेते फूलों ने दिया है, कभी इससे तो कभी उससे, 40 साल से है जनता परेशान, अब क्या होना चाहिए बिहार में इसका अस्थायी निदान, प्रशांत किशोर अब अस्थायी निदान करवाइए जैसे जिससे करवाना है, हम नाम क्यों, तो हम नाम क्यों बोले, प्रशांत किशोर बताइए, हाँ उनका कहाँ कहाँ बुराई की, कभी बुराई की है, किसका बुराई की है, प्रशांत किशोर है, भविष्य है, 40 साल से लोग परेशान है, तो प्रशांत किशोर है, अब है उसका जो अस्थायी निदान करवाना है, किससे परेशान है 40 साल से बताइए ना पहले, हमारा आनंद सिंह, आनंद सिंह सीएम, आनंद सिंह सीएम बनेंगे, आनंद सिंह आप कोई नहीं, आनंद सिंह कहाँ से सीएम बन जाएंगे, आनंद सिंह सीएम नहीं बनेंगे, कहाँ से बनेंगे बताओ तो पहले ना, नहीं बन सकता, नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं तो भाई, नहीं 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 नीतीश कुमार ही नीतीश कुमार, अब कौन ललन सिंह और फलन सिंह, कौन ललन सिंह और जितना भी बाहुबली नेता है, सूरज भान और राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, ये सब ऐसे नेता हूँ, ये सब मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, अभी समझ गए ना, नीतीश कुमार के बदौलत तबीयत खराब हो रहा है, नीतीश कुमार का कुर्सी तो अब छोड़ ही देंगे, कल से तबियत खराब हो रहा है, क्या तबियत खराब हो रहा है, आप लोग कैमरा वाले ये सब उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, तबियत खराब होता है किसी का, सर्दी बुखार क्यों नहीं आता, खराब नहीं है, सर्दी बुखार सबके ढुकावेंगे अंदर, अभी पता नहीं आज मुन्ना शुक्ला चला गया किसके इशारा पर गया, मुन्ना शुक्ला किसके इशारा पर गया, जब हाईकोर्ट अथी कर दिया, रिहाई कर दिया तो फिर हो गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या कौन, बाकी पालिका को मानना होगा, वो तो सवाल है, ये बताइए तेजस्वी, सुनिए सुनिए तेजस्वी पीके में भविष्य कौन है, ये भारत सुन लीजिए, ये धीरे धीरे सबके नीतीशो जी जाइए अंदर एकदम, एक ढुकावेगा ज्यादा दिन नहीं है, हाँ 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 आ रहा समय, समय आ रहा है, सबको ढुकावेगा, अब मोदी जी छवि के हर छवि है, तू खेले हो तो देखो ना, 25 से पहले ही हो जाते, कौन भविष्य है बिहार का, अब अभी भविष्य में का अंतर है, आसमान और जमीन का अंतर, तेजस्वी और पीके की बात कर रहे हैं तो किसी चीज में तेजस्वी आगे नहीं है, हाँ एक चीज में आगे हैं, घोटालेबाज में आगे हैं, और दूसरे और उनके अलावा में किसी चीज में आगे नहीं है, तेजस्वी और पीके क्या पीए भी लाइक है, पीके के भैया चाचा क्या बोलेंगे, जंगल राज आओ और 118 नारा के सामने देखे, बाकी आदमी नहीं बदलेंगे, दिन बदल गया है, बाकी लालटेने युग याद आएगा, इनको लालटेने युग याद दिलाएंगे, याद आएगा, उसके अलावा कोई है नहीं है, 25 में आने वाला है प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर बिहार को वन नंबर, लालू यादव को रेल मंत्री नीतीश कुमार नहीं बोला है, ये जान लीजिए, एक
कपाल वाला है, कद्दू वाला है। रसोई पीके में भविष्य कौन है? पीके, पीके क्यों पीके? तेजस्वी यादव से पढ़े लिखे अच्छे लीडर है। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर लीडर कहाँ है? वो तो मैनेजमेंट करते हैं। अरे मैनेजमेंट करते हैं तो कोई कोई को शिक्षा हासिल करने के लिए, कोई को ज्ञान हासिल करने के लिए पहले उसको शिक्षा को सीखना पड़ता है। आप आज मीडिया के माध्यम से चैनल लेके माइक से आप पूछ रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको किसी के सहारा लेके ज्ञान को आपको सीखना पड़ा होगा या किताब पुस्तक को सहारा लेना पड़ा। तो राजनीतिक ज्ञान लेने के लिए प्रशांत किशोर सब राजनीतिक ज्ञान से परिपूर्ण हो चुका है, क्योंकि वो बंगाल में भी राजनीति किया, दिल्ली में भी राजनीति किया, सब में राजनीति किया। तो तेजस्वी प्रसाद यादव से कहीं भी अगर उनसे पूछा जाए तो शिक्षा में भी आगे, उनसे ज्ञान में भी आगे और उनसे सब चीज में आगे पीके मतलब पृथ्वीराज पांडे आगे हैं, समझे। और लोग कहता है एक बात के लिए कि प्रशांत किशोर जी अपना नाम छुपाते हैं, तो मैं ढेर ऐसे व्यक्ति को नाम बता दूंगा, समझे ना, कि जो मतलब अपना समाज का टाइटल नहीं लगाता, जैसे भूमिहार हो तो किसी सरने का टाइटल नहीं लगा, फरता कुमार लिखाता है। यादव में भी ऐसे व्यक्ति को नाम बता दूंगा जो फलना कुमार लिखता है, यादव नहीं लिखता है। तो टाइटल से किसी का पहचान आज के डेट में अगर किया जाए तो टाइटल से किसी का पहचान नहीं होता है। पीके भविष्य है बिहार, एकदम बिहार का भविष्य आने वाला 2025 बदल देंगे बिहार में, क्या बदल देंगे? एक बार आने अमेरिका बना देंगे बिहार, अमेरिका तो नहीं बनाएंगे लेकिन पैटर्न तो उनका भी है। लेकिन नौजवान जो आज हमारे बाहर की देश की ओर जा रहे कमाने के लिए, जो लात गाड़ी सुन के आती है और बिहार को चोटा कहा जाता है दूसरे राज्य में, वो कम से कम हमारे प्रशांत किशोर जी रोक देंगे। सही बात है, प्रशांत किशोर हाँ रोक देंगे। प्रशांत बन जाएगा बिहार, हाँ बन जाएगा जरूर, हाँ जरूर बन जाएगा धीरे धीरे, जातिवाद खत्म नहीं होगा। सुनिए ना, मुख्यमंत्री का बात जनता मानेगा तो बनेगा, नहीं मानेगा तो नहीं बनेगा। बिना जातिवाद के कैसे चुनाव? नीतीश जी कहे की दारू नहीं पियो रे तो सब पी रहा जनता, चोरी कर रहा। बिना जातिवाद के बिहार में कैसे होगा? चोरी होगा तो कैसे होगा? तर्रे रहता दारू और ऊपर से रहता बालू, कौन करता है? सुनिएगा, बीच में नहीं बोलेगा, हमको बड़ी खराब लगता है बीच में बोलता। प्रशांत किशोर जी बोल रहे, इतना लंबा लंबा बोल रहे हैं जनता लोग कि प्रशांत किशोर आएंगे ऐसे करेंगे। प्रशांत किशोर को वही सपोर्ट करेगा जो दारू पिए वाला है। अच्छा। हाँ, काहे को वो बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा एक घंटा में हम शराब चालू बढ़ा रहे हैं ना शराब चालू। हाँ तो वही सपोर्ट करेगा जो दारू चालू, सारा पैसा जो है हम शिक्षा में इन्वेस्ट कर। नहीं, हम बोल तो रहे हैं वही सपोर्ट कर रहा है प्रशांत किशोर को कि जो दारू पीता हो, और नीतीश कुमार को वही लोग सपोर्ट करेगा कि जो दारू बेचता हो, ठीक है, ये हम बोल दिया। और रहा बात प्रशांत किशोर जी का, ये प्रशांत किशोर बिहार के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं या तो गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े मंच पे जाते हैं प्रशांत किशोर जी और बोलते हैं कि हम गांधी जी के सिद्धांत पे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत पे चलते हैं। उनके झंडा के लोगों में भी गांधी जी नजर आता है, ठीक है ना। तो वो झंडा जो है वो लोगों से गांधी जी हटा दीजिए, हटा के अपना फोटो लगा दीजिए, उसके बाद आप सर आपका बात कीजिएगा, ठीक है ना। काहे कि देखिए, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये दोनों शराब के विरोध में थे ना, दोनों शराब के विरोध में। लेकिन ये बोलते हैं कि हम आएंगे और गांधी जी के एकदम मतलब रास्ते कदम पे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते कदम पे चलते हैं और आते हैं, आप बोलते हैं एक घंटा में शराब चालू कर देंगे। तो मेरा एक ही लाइन है भैया कि जो दारू पिए वाला वो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगा, जो दारू बेचे वाला वो नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगा। तो भविष्य नहीं है, भविष्य सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव में है भविष्य। उन पे तो अभी चाचा बोल रहे थे कि पढ़े लिखे नहीं है। कौन? नौवीं फेल है। चलिए नौवीं फेल है, जब पापा उसका मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, कहीं से भी सब सर्टिफिकेट ले आते हैं, लेकिन फिर भी नौवीं का सर्टिफिकेट दिखा के उस संतुष्टि दिलाते हैं कि हाँ हम नौवीं फेल हैं। जब नौवीं फेल आपको गरज लग रहा है कि नौवीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, तो आप चौथी फेल को इंडिया का प्रधानमंत्री काहे बना दिया? चौथी फेल से तो 5 किलास ज्यादा पड़ा हुआ है तेजस्वी प्रसाद यादव। डिग्री तो दिखा दी है मोदी जी, कहाँ से का डिग्री, कहाँ का डिग्री, जाली डिग्री, जाली डिग्री। अपने खुद मुंह से बोलते हैं कि 14 साल तक हम चाय बेचा, 35 साल तक भीख मांगा, 3 साल तक हम मुसलमान के घर में खाया पिया। तो पढ़े कब भाई? यूनिवर्सिटी कब गए? यहाँ बूढ़ा बूढ़ा आदमी का कॉलेज का दोस्त मिल जाता, उनका कोई दोस्त नहीं मिला, आना मैडम मिली कि जो पढ़ाती थी, कहाँ से डिग्री आ गया? हाँ, सब तो दुनिया बोल रहा है कि चौथी पे पीके भविष्य नहीं है बिहार ना, ऊपर गला रहे हैं। फिर क्या सही बात है, पीके भविष्य नहीं है बिहार के। किसका? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी अभी जो है ना,
उतरे हैं जरूर सीट लाएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो उमंग पर नहीं लाएंगे, उमंग पर नहीं लाएंगे, नहीं इसलिए नहीं लाएंगे कि अभी नया नया कितना आदमी नामे नहीं जानेगा तो वोट कहाँ से देगा। सही बात है। हाँ प्रशांत किशोर तो अभी अच्छा सीट लाएंगे बिहार में, और जिनको मुख्यमंत्री बनाए वो बनेगा, तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप समर्थन कर रहे हैं प्रशांत किशोर का है, आप बताइए कौन जाति है ये बताइए पहले। क्या जाति? जाति जाति नहीं, जाति है जनगणना होगा ना तो आप देख लीजिए। जनगणना तो हो गया नहीं हुआ था अब किया है नहीं नहीं किया है। तो प्रशांत किशोर तो पांडे हैं, पांडे को समझ क्या मतलब? पांडे नहीं ना, हम नहीं जानते हैं पांडे, जानते हैं बिहार को बदलने निकला है, बदलेगा, बदल जाएगा, जरूर बदलेगा, इसलिए बदलेगा। कुर्सी पर यहाँ परिवार बात बदल दिया, यहाँ परिवार बात, परिवार बात को एकदम देश ये बिहारे ने देश नेगलेक्ट कर रहा है ना, परिवार बात को देश नेगलेक्ट कर रहा है। आप देखिएगा इस चुनाव में, इससे आगे भी चुनाव में जितना जितना परिवार का जो खड़ा रहे होगा ना वो सब हारेगा, परिवार बात नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो प्रशांत किशोर का आप समर्थन कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं, भरोसा है कुछ? अरे ये इस बार नहीं रहे, उलट पुलट हो जाए, लेकिन वो आगे का भी 30 का मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तो फिर तेजस्वी चिराग का क्या होगा? तेजस्वी हम बताए ना, अब परिवारवाद वाले परिवारवाद का नहीं चलेगा क्या? सही बात, नहीं नहीं चलेगा परिवार, नहीं जरूरी है, कोई जरूरी है कि हम बाप का बेटा है तो हम ही मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान किसका बेटा है? 5 साल खातिर किसका है? अरे जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम नमूना को चुनकर, नमूना का मतलब क्या होता है, लाखों में एक, उसको निकालेंगे ये बिहार से। नमूना का मतलब निगेटिव भी कुछ होता है? नहीं हम निगेटिव नहीं जानते, हम बताएंगे एक चीज नमूना, हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं जानते हैं, नमूना का मतलब यही जानते हैं कि बहुत ये बढ़िया घर है, नमूना घर है, घर पटना में है, पटना में ही है। हाँ समर्थन है प्रशांत किशोर क्या चाचा? सही बात है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, परिवारवाद हमें पता नहीं चलता है कि परिवारवाद का निर्णय आप करेंगे कि जनता करेगी? अरे जनता को पसंद परिवारवाद लाएगी, खुद नेगलेक्ट कर देगा, आप कहला चिंता करते हैं परिवारवाद? समझ गए कि ना? बहुत एक दूसरी चीज, भारत का संविधान है, अगर हम परिवारवाद की बात करते हैं तो क्या हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारे परिवार के और क्यों नहीं नेता बन सकता है? इस पर प्रतिबंध का कहीं है? जो बोलता है तो लगता है कि कितना इलिटरेट व्यक्ति है। अरे जनता निर्णय करेगी कि परिवारवाद गलत है, हरा दीजिए। आप परिवारवाद की चिंता बार बार काहे दोहराते हैं? तो कौन भविष्य है, पीके की तेजस्वी? हम भविष्य की बात ना कर रहे हैं, हम केवल परिवारवाद पर बोलना चाहते हैं, हम बस केवल परिवारवाद पर। बाकी आपको कोई चिंता नहीं? कोई चिंता नहीं। कौन सीएम हो सकता है? कोई भी हो सकता है, आदमी बनेगा कि इसका जनता चाहेगा, कोई भी हो सकता है, उस पर हमको हमें नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर से डर जाते हैं बार बार? ना ना वैसी बात नहीं है, वैसी बात ना है। प्रशांत देखिए, प्रशांत किशोर को अभी टाइम तो गया है, हकीकत है, सुनिए भाई साहब, प्रशांत किशोर को भी समय लगेगा, जितना जल्दी लोग भाई साहब बोल रहे हैं ना, इसका मतलब प्रशांत किशोर को कम से कम 20 बरस 20 साल लगेंगे आने में, कम से कम। क्या बात करते हैं, बस हम यही कहना चाहते हैं। अरे बहुत जल्दी राज कर गए वो, कोई अभी तक पार्टी इतना जल्दी 2 बरस में कोई नामो जानता था? अभी भी जो है ना, अभी उसके पास समय है, समय अभी साल भर का है, देखिए फैलेगा। और ये कहिएगा ना, वो जो झंडा उठावे वाला वो वोट नहीं देगा, वो गुप्त वोट होगा उसका। चलिए देखिए, जनता एक्सप्रेस में हम जनता का एक्सप्रेस वाला जो भाषण होता है, बयान होता है, वो ले रहे थे, पटना जंक्शन पे मौजूद थे। और प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य कौन, क्योंकि उपचुनाव और होने वाला है 4 सीटों पर, और प्रशांत किशोर जैसे ही उपचुनाव में अपने कैंडिडेट उतारते हैं, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा छोड़ देते हैं, वो भी लग जाते हैं उपचुनाव में। यहाँ की जनता ने बता दिया, अपनी राय रख दी। ऐसे ही जनता एक्सप्रेस के माध्यम से लगातार हम आपके बीच आएंगे, जुड़ेंगे। आपका प्रश्न कुछ होगा तो कमेंट में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।